भाई आज डे फोर ऑफ आर नेपाल टू डेट डे फोर आर ले 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 के ले ले के ले 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 के ले ले तो भाई सीन ये है कि हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, लंच किया अभी अभी होटल में। खाना बहुत अमेजिंग है इस होटल का। होटल का नाम है काठमांडू बिजनेस होटल और ये मेन थामेल बाज़ार में ही है। पार्किंग का इशू थोड़ा है बट इन्होंने बाइकें लगवा दी आप जैसा देख सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, इन्होंने ही कैब अरेंज करवा दी। हम लोग 18 या 22 जने हैं तो दो कैब मंगाई हैं और हम सारे एक साथ जा रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल मंदिर देखेंगे। उसका 6:30 बजे वहाँ आरती होती है, आरती देखेंगे, उसका सीधा यहाँ वापस आएंगे और यहीं पे आगे थामेल बाज़ार है वहाँ जाएंगे शॉपिंग वगैरह के लिए और शाम को किसी बार या पब में पार्टी करेंगे। तो चलो आओ लेके चलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल आपको। ये देखो ये हमारे लोंडे खड़े हैं, भूखे शेर हमारे इंतज़ार में इनको पता नहीं है नाम चेंज होने वाला है। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है इसकी मामा मुझे। ये हमारे जमीन भाई है, ये रात के 9 बजने का बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं। 9:30 बजे का साढ़े हमारे ऑर्गेनाइजर साहब हैं, हमें बोलते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर। ये हमारे सुमित भाई थे जो हमारे ऑर्गेनाइजर है आज की पार्टी के। बाकी पार्टी की वीडियो आपको अलग से दिखाई जाएगी, उसके लिए सब्सक्राइब अलग से करना पड़ेगा। हैं पुनीत, वाले कंटेंट के लिए जो रात वाली पार्टी है उसके लिए 100 रुपये वाली सब्सक्रिप्शन अलग लगेगी। प्राइवेट कंटेंट के लिए तो भाई हम लोग आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर, थोड़ा चलना पड़ेगा यहाँ पे, तो आइए चलते हैं। तो भाई अभी बाहर आया हूँ मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करके। अंदर कैमरा वैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। लास्ट पॉइंट यही वाला है जहाँ पे कैमरा अलाउड है, जहाँ पे आप अपनी सेल्फी वगैरह ले सकते हो या कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद अंदर कहीं कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं और अंदर का तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, जहाँ तक का मैंने दिखाया है वहीं तक का अलाउड है। और अगर आपको मंदिर अंदर से देखना है, मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा और शायद इसीलिए कैमरा अलाउड नहीं करते। अगर अंदर कैमरा अलाउड कर देंगे तो एक तो मंदिर की गरिमा ख़त्म होती है और दूसरा आर्किटेक्चर आप घर पर बैठ के ही देख लोगे तो आप आओगे नहीं। तो भाई यही है बस, अब होटल चलते हैं और होटल चल के जो है भाई अपना निकलेंगे शॉपिंग वॉपिंग करने, पार्टी करने। चलिए ये देखिए रुद्राक्ष माला मिली मेरे को यहाँ से। तो भाई हम लोग अभी पशुपतिनाथ मंदिर से आए हैं और अब हम जाएंगे थामेल मार्केट, जो यहाँ की लोकल मार्केट है। जो हमारे होटल है वो थामेल मार्केट में ही है। और भाई रूम में आए हैं, खुद ही रूम को देख के शर्म आ गई। देखो भाई बाइकर्स का रूम कैसे रहता है। हाय अर्श भाई, डोंट जज गाइस। ये देखो भाई, क्योंकि हमारे सबके बैगेज ऐसे होते हैं फ्रंट ओपन ओनली टॉप ओपन ओनली, तो सारा सामान अगर एक भी चीज़ ये सारा सामान निकालना पड़ता है। देखो भाई बाइकर्स के रूम की ऐसे माधुरी हुई रहती है, कच्चे बच्चे तो नहीं पड़े ना भाई कहीं। और क्योंकि 2 दिन बारिश हुई है और कपड़े सूखे नहीं हैं, तो पहले सबसे पहले न्यू डेस्टिनेशन पे आके सारे कपड़े निकाल के सुखाने पड़ते हैं। देखो भाई सब क्या हालत है, चार्जिंग का सामान भी होता है और भी होता है, हालत ख़राब रहती है रूम की। बैंड बजा रखा है हमने। तो बस अब हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए थामेल मार्केट से, घर के लिए फैमिली के लिए कुछ लेना है। उसके बाद डिनर करेंगे, डिनर करके वापसी आने में 11-12 बजेंगे। और अगर मान लो सपोजिटली 11 बजे भी आते हैं तो ये सारा सामान उठा के पैक करने में फिर एक भी बच सकता है। और सुबह 6 बजे फिर निकलना है हमें पोखरा के लिए,
तो भाई बाइकर की लाइफ ऐसी ही होती है, बंजारों की तरह 12 दिन निकलते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा लग्जरी ट्रिप लेना है, हर जगह स्टे करना है, तो वो ट्रिप बन जाता है 15-16 दिन का। वो हम बना नहीं सकते क्योंकि काम धंधे भी होते हैं, सब नौकरी के होते हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिलती और ग्रुप पूरा साथ में आना होता है। तो भाई अगर बाइकर बनना है तो ये माइंड मेकअप कर चलना कि बंजारों वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, और ये टफ लाइफ होती है। लगता आसान है, क्या है, सामान पैक करना है बैग में और चल देना है, बट कभी 4 घंटे की नींद, कभी 5 घंटे की नींद, किस दिन स्टे होता है नेक्स्ट डे तो उस दिन भी नींद नहीं मिलती, क्योंकि उस दिन ये होता है कि लोकल साइटिंग एक्सप्लोर करनी है। तो भाई बाइकर लाइफ इतनी आसान नहीं होती, अगर आपने बाइकर बनना है तो ये माइंड मेकअप करके रखिए, ये लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ेगी। चलिए लेके चलते हैं आपको थामिल मार्केट। तो भाई ये थी थामिल मार्केट। मैंने अपने लिए एक पोंचो लिया है और एक पजामा लिया है, और भाई मार्केट बहुत ही रंगीन है। हम लोग तो खैर सुबह निकल जाएंगे, बट आप लोग आएँ तो काठमांडू में एक दिन का नाइट स्टे ले, एक दिन का हॉल्ट ले, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। डांस बार है, बहुत अच्छी कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, और बहुत ही अच्छा कल्चर है मार्केट का उसका। तो आप स्टे ले सकते हैं यहाँ पे, एक दिन का हॉल्ट बनता है, क्योंकि थोड़ी कुछ साइट सीइंग और है जो मैंने देखी थी ऑनलाइन, बट वो इतनी हाइप नहीं है तो इसलिए ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। भाई ये हमारे होटल के साथ में है कैलाश बार एंड कैफे, और बियर तो हम लोग डिनर करने यहीं पे आए हैं। हाँ बियर बोला मैंने बियर बोला, तो डिनर करने आए हैं हम लोग। देखते हैं खाने की तारीफ सुनी है इसकी, अब बाकी खाना तो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर आप देखिए, यहाँ सारे कैफे ऐसे ही डिजाइन है। ओ भाई साहब बहुत तगड़ा इंक्लाइंड है कीचड़ में।